मैं ये पूछ रही हूं कि आपके जितने भी विपक्षी दल के यहाँ सहयोगी बैठे हैं, वो इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी है मुमकिन है, ये आपका नारा है, लेकिन मोदी है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। दूसरा ये कि जहां आज बात होनी चाहिए थी चीन को लेकर, आप बात कर रहे हैं चुनावों की को लेकर। देखिए, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि चलिए जिस अंदाज में मोदी जी को गाली दे रहे हैं, कल भी गुजरात में गाली दी थी, परिणाम गुजरात की जनता ने दे दिया, देश की जनता ने दे दिया। मोदी जी से इतनी नफरत है कि लगातार मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, ये कहते हैं चाइना के साथ ऐसा होना चाहिए, चाइना पर बात होनी चाहिए, टीएमसी के बड़े विद्वान प्रवक्ता कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाना चाहिए। इनकी आदत रही है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब हमले होते थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मनमोहन सिंह जी जाकर हाथ फैलाते थे, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी वो हाथ फैलाती थी। मोदी जी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, बोलने दीजिए, प्राची गलत है, जयसवाल जी प्लीज सर, बीच में कोई नहीं बोल रहा, सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और ऐसे ही सार्थक चर्चा हो पाएगी। जयसवाल जी आप प्लीज बीच में मत बोलिए, चर्चा को खराब मत करिए। अगर चीन पर आपको जवाब चाहिए और आप वाकई में सीरियस हैं कि चीन पर जवाब आए, तो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थोड़ा सा सुनना पड़ेगा वरना दर्शक देख लेंगे कि चीन पर कौन घुमा रहा है और कौन बात करना चाहता है कौन नहीं। जयसवाल जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी देखिए, धूर्तता की जैसे ही पोल खुलती है चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि सहनशीलता नहीं है, जानते हैं धूर्तता की पोल खुलने जा रही है। ये मोदी जी का भारत है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नहीं जाएगा, जाना होगा चाइना जाएगा, चाइना जाकर गुहार लगा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की खबर पढ़ लीजिए जसवाल जी, अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ लीजिएगा, ग्लोबल टाइम्स में चाइना चिल्ला रहा है हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान ने हमारे लोगों को पीटा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चाइना जैसा देश जाके गुहार लगा रहा है, ये मोदी जी के रहते ही संभव है। और आप मोदी जी को गाली देते रहिए, आप मोदी जी को कोसते रहिए, आपकी जो घृणा है वो घृणा आपको ले डूबेगी, वो घृणा ले डूबेगी, वो घृणा आपको ले डूबेगी। प्राची जी कैसे बात नहीं पाएगी, प्राची ऐसे बात नहीं चाहिए, मुझे भी तो जानने दीजिए ना। अरे सरकार से अगर कोई बैठा है तो मुझे भी तो स्टैंड जानने दीजिए ना सर, प्लीज बीच में मत डिस्टर्ब करिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। त्रिपाठी जी सवाल इस बात को लेकर है, सेना कुछ भी करती है, आरोप आप पर ये लगते हैं कि आप सेना की भी ब्रांडिंग क्यों करने लगते हैं, आप सेना के नाम पर भी अपने हित में माहौल क्यों बनाने लगते हैं, ये तो सेना ने किया है ना। रुक जाइए जयसवाल जी, एक सौ में बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, रुक जाइए एक सेकेंड प्लीज। सात आठ लाख का एक सनग्लास होता है मैडम, गरीब का परिवार चाहे है मोगाटो का पहले घड़ी रखते जैसे बात तो होनी चाहिए, आप केवल जयसवाल जी प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा सर, ऐसे चर्चा नहीं चलेगी, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। जयसवाल जी थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए मानव जी की, त्रिपाठी जी कंप्लीट करिए। नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जूते चाइनीज को पड़ रहे हैं, जूते चीनियों को पड़ रहे हैं, ये जयसवाल जी की खोपड़ी पे दर्द क्यों हो रहा है, या आरजेडी वाले भी उधर से चिल्ला रहे हैं, मतलब जूते पड़ रहे हैं चीनियों के माथे पर, चिल्ला रही है टीएमसी आरजेडी कांग्रेस, ये कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बार देखिए वो भी चिल्ला रहा है, आरजेडी वाले भी, उनका भी मुंह खुला हुआ है, ये टीएमसी वालों का भी मुंह खुला हुआ है, मतलब जूते चीनियों के सर पर पड़ेंगे तो दर्द होगा टीएमसी को, दर्द होगा आरजेडी को, दर्द होगा कांग्रेस पार्टी को और बाकी लोगों को। देश ये देख रहा है, ये पहली बार देश में हुआ है कि चाइना का जो हश्र किया है हमारी सेना ने, 1962 का भी भारत था जब जाकर नेहरू जी ने वहां पर समझौता कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, आज का भी भारत लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है। आज चाइना की वो दुर्गति की है कि पूरी दुनिया के सामने जाके चाइना गिड़गिड़ा रहा है, पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि भारत ने हमारे साथ अराजकता करने का प्रयास किया, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और आप मोदी जी को गाली देते रहिए, आप मोदी जी को कोस दे रही है, आप मोदी नहीं सर, त्रिपाठी जी कोई कोस नहीं रहा है, त्रिपाठी जी कोई कोस नहीं रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश हित की बात करते हैं, अगर तो फिर उनसे सवाल पूछना कोई कोसना नहीं है। अगर विपक्षी दल आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो सर ये कोई कोसना नहीं है, आप सरकार में हैं, आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे सर, मैं यहाँ पर निशांत जी से या मानव जयसवाल जी से सवाल नहीं पूछूंगी, आप ही से पूछूंगी क्योंकि आप ही जवाब दे। एक सेकंड रुकिए मानव जी, प्लीज बीच में बार बार आप इंटरप्ट कर रहे हैं, पूछिए प्राची जी, तो सवाल पूछिए, जवाब भी दीजिए। ये जो बौखलाहट है ना,
मैं इनकी जो बौखलाहट वो दिखाती है कितनी घृणा है नरेंद्र मोदी जी के नाम से। मैं फिर कहता हूँ निशांत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। निशांत जी, चित्रंजन जी बीच में मत बोलिए प्लीज सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। और जयसवाल जी आप निशांत जी, निशांत जी खामोशी से सुन रहे थे, अभी विपक्षी नेता की बात चल रही है, अब जरा कांग्रेस का स्टैंड क्या है भाई, वो भी आने दीजिए। मानव जयसवाल जी प्लीज, त्रिपाठी जी बात सुनिए। हाँ निशांत जी बात सुनिए, जब से ये 9 दिसंबर से ये चाइना का एपिसोड हुआ है, हमारे सैनिकों ने जो चाइना को वहां से भगाया है, हम सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, और यही इंडियन आर्मी की डेयरिंग सालों से है जब से देश आजाद हुआ है। लेकिन बार बार त्रिपाठी जी 1962 की घटना का जो यहाँ पे बात करते हैं, तो 1962 में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनका और उनके परिवार का अपमान नहीं करते आप? हमारे जवान नहीं लड़े थे चाइना के सामने क्या? हमारे जवान ने जाने नहीं दी थी देश के लिए? हमारे जवान शहीद नहीं हुए थे? क्यों उनकी शहीदी के आप ये 1962 की बात करके उनका अपमान कर रहे हो? जो हुआ हुआ, 71 की बात कीजिए। हमने तो पूरे 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 एशिया का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था 71 में, दो देश अलग कर दिए थे। सबसे ज्यादा नुकसान इतने सालों में अगर किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है, उसके दो टुकड़े कांग्रेस के शासन में हुए थे, लेकिन कभी हमने उसका मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं किया। लेकिन आज देश में आप देखिए, एजुकेशन लोन से लेके होम लोन तक, टू व्हीलर की लोन सारी महंगी हो गई, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी बात नहीं करना चाहेंगे। आटा, चावल, दूध, दही जैसी सामान्य चीजों के ऊपर जीएसटी लग चुका है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार फलानी फलानी सरकार। अरे भारत देश की जनता बोलने लगी है बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। ये लोकसभा का 2024 का सबसे बड़ा एजेंट है, और विरोध पक्ष सारे इकट्ठा हो जाएंगे। उसका कारण मैं प्राची जी बताता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विरोध पक्ष के सारे प्रादेशिक पार्टियों को, उनकी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग किया गया। निशांत जी छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड सर, छोटी सी बात जो मेरे जहन में आई है, हिमाचल आप जीत गए सर इन मुद्दों को लेकर, लेकिन महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो ऐसा है जो कांग्रेस तब से उठा रही है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उत्तराखंड के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव हुए, हालांकि पंजाब में तो तीसरी पार्टी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो तीसरा प्लेयर है उसने कमाल दिखा दिया, जनता ने नकार दिया। प्राची जी बहुत सही जवाब, बहुत सही सवाल था, मैं सही जवाब दूंगा आपको, तो एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए, 8 साल में 25 ऐसे चुनाव है जहां पे मोदी जी के प्रधानमंत्री जी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, हर जगह पे उनके वोट शेयर और उनकी सीटें कम हुई है। उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है उसमें उनकी सीटें कम हुई है। यही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, यही भ्रष्टाचार के मुद्दों की वजह से, यही अहंकार की वजह से। साउथ इंडिया में केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे तो बीजेपी का कोई खाता भी नहीं। निशांत जी, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बना ली है, आप इस बात को शायद बोलना, इस बात को शायद मेंशन करना भूल गए। अरे फिर से सरकार बना ली है, आप तो वहाँ पर तमाम फौज के साथ उतरे थे, लेकिन क्या हुआ कांग्रेस का? आपसे अच्छे तो बाकी दल वहाँ पर सफल हो गए। सर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी, नहीं, वो बाकी के दल हमारे अलायंस, ठीक है सर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर, अच्छी बात है। मुद्दे बहुत सारे और इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाइए और उन्हें समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।